एक बात स्वागत अगर बात करिए तो अमदावाद एरपोर्ट पर गो एरनी फ्लाइट 8 कलाक मोड़ी थता मुसाफरोए होमाड़ो बचाव्यो हतो। अमदावाद थी बेंगलोर जती फ्लाइट ना 90 जेटला पेसेंजर्स एरपोर्ट पर पहुंचा परंतु फ्लाइट 8 कलाक मोड़ी होवानु कहता मुसाफरो द्वारा होबाड़ो मचावामां आव्यो हतो। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे चीन विषय स्पष्टता करता कहूं कि सरहद की बीजी तरफ सेना की ताकत और तैयारी नबड़ी नहीं, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कार्यवाही काळजीपूर्वक मूल्यांकन करने जरूर है, भारतीय चतुराई थी काम करने जरूर है, कारण कि चीन पर विश्वास करव शक्य नहीं। 30 महीना पछी पण भारत और चीन वच्चे सरहदी तनाव यथावत है। तो मनोज पांडे वर्तमान स्थिति विषय माहिती आपी हती अने माहिती आपता कहूं हतु के पूर्व लद्दाख में स्थिति स्थिर छे, चीन की सरहद पर माळखाकीय सुविधाओं में विकास कर्यो छे। चीन कहे छे एक बात पण करे छे, बीजी बात आ एक प्रकार की छेतरपिंडी छे, भारते तेवोनी क्रिया पर ध्यान केन्द्रित करवानी जरूर छे। जनरल पांडे वर्तमान स्थिति पर एक लाइन में कहूं कि स्थिति स्थिर छे परंतु अणधारी छे, વિવાદના 7 મુદ્દાઓથી 5 મુદ્દાને વાતચીતથી ઉકેલાયા છે, તો આગામી તબક્કામાં બાકી રહેલા 2 મુદ્દાઓ સંબંધિત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે। उन्होंने अपनी मिसाइल पोजीशंस और बना दिए, हेलीपैड्स और बना दिए, हेलीड्रोम्स और बना दिए, एयरफील्ड्स और बना दिए और बड़े पैमाने पर अपने वेपन्स को तैनात किया है। और साथ ही साथ जी पेंग ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि चाइनीज आर्मी को हर समय तैयार रहना चाहिए एक लड़ाई लड़ने के लिए जिसको उन्हें हर प्रकार से जीतना है। तो इससे साफ तौर पर नज़र आता है कि उनकी नीयत जो है वो सही नहीं है और हिंदुस्तान को हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमको कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी चाइनीज एक्टिविटी के ऊपर क्योंकि किसी प्रकार से वो हमको धोखा ना दे पाए। स्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल, उन्होंने ये भी कहा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यही बात जब हम या विपक्ष के बाकी लोग या सिविल सोसाइटी के लोग या कुछ वैसे पत्रकार जो सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर बहुत गहन चिंतन करते हैं जब वो कहते हैं तो डिनायल हो जाता है टॉप से। आज उस डिनायल का नतीजा है कि आज ये बयान आ रहा, अब इसके बाद क्या कहेंगे, कोई अंदर नहीं घुसा है, गलवान हमने झेला। मैं समझता हूं कि एक साफ दृष्टि चाइना के बरक्स और चाइनीज जो ये वो ट्रेसपास करने की उनकी जो प्रवृत्ति है अलग अलग हलकों में जो स्ट्रक्चर वो खड़े कर रहे हैं परमानेंट सेमी परमानेंट उसको लेकर के पूरे देश को एक मत से सोचना होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी पंकज कुमारे फोरेंसिक लैब ना उद्घाटन कार्यक्रम में जणाव्यु के पाकिस्तान ड्रोन ना मार्फते घातकी माल सामान भारत में घुसड़वानो प्रयास करी रह्यो छे। वर्ष 2021 नी सरखामणी में वर्ष 2022 में ड्रोन द्वारा घुसणखोरी करवानी घटनाओं में वधारो थयो छे। पाकिस्तान द्वारा खास करीने सरहद पर थी ड्रग्स हथियारों अने दारूगोड़ो सप्लाय करवामां आवे छे। आ घटनाओ सौथी वधु पंजाब में जोवा मळे छे। पाकिस्तान द्वारा अत्यार सुधी में 215 जेटला ड्रोन पंजाबना बॉर्डर विस्तार में घुसाड़वानो प्रयास करायो छे। जम्मू सरहद पर थी 22 ड्रोन उड़ाड़वामां आव्या हता। बीएसएफे 2020 में भारत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सरहद नजीक थी लगभग 79 ड्रोन शोधी काढ़या जे गया वर्षे वधीने 109 થઈ ગયા હતા। આ વર્ષે તેની સંખ્યા વધીને 266 થઈ ગઈ છે। તો આ બાબતે પંકજ કુમારે વધુમાં એવું કહ્યું કે અમારી પાસે હજુ સુધી આનો કોઈ નક્કર ઉકેલ નથી। ડ્રગ્સ હથિયારો અને દારૂગોળો તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ સરહદ પારથી અહીં ડ્રોન દ્વારા મોકલવામાં આવે છે।